देखिए, जिस तरीके से बार बार एग्जाम्स रद्द हो रहे हैं और एजुकेशन मिनिस्टर कोई जवाबदारी लेने को तैयार नहीं है, मैं तो कहती हूं ये एजुकेशन इमरजेंसी लगी है देश में। नीट पेपर लीक हुआ, उसको एक्नॉलेज नहीं किया, सीबीआई इंक्वायरी की जब हमारी मांग थी उसको ठुकरा दिया गया, कल रात को आकर वो सीबीआई इंक्वायरी के लिए हां कर देते हैं, एनटीए के जो चेयरमैन हैं उनको ट्रांसफर कर देते हैं, फिर नीट का जो पीजी एग्जाम होना था उसको कैंसिल कर रहे हैं। अब बिहार पुलिस के माध्यम से पता चला है कि ये पूरा इंटर स्टेट रैकेट था। पेपर लीक का सिर्फ बिहार तक ही नहीं है, जो कह रहे हैं धर्मेंद्र प्रधान कि सिर्फ बिहार तक सीमित है, वो झारखंड में भी पाया गया है, और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगा पता चलेगा क्या 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 है। और नीट पीजी एग्जाम सिर्फ कुछ घंटे बाद एग्जाम होने वाले हैं, उनसे पहले आप एग्जाम कैंसिल कर देते हैं, ये किस तरीके का काम हो रहा है। मैं कहती हूं एनटीए चेयरमैन के ट्रांसफर से ज्यादा आज अगर जरूरत है तो एजुकेशन मिनिस्टर के इस्तीफे की जरूरत है, क्योंकि बार बार आप लोग इतने सारे युवा, करोड़ों युवाओं के जो आकांक्षाएं हैं, जो उनके सपने हैं, उसको चूर चूर कर रहे हैं। शरद पवार ने कहा है कि जिस अपोजिशन को हमेशा डिप्यूटी स्पीकर का पोस्ट मिलता है, लेकिन पीएम मोदी गवर्नमेंट पिछले 10 साल में ऐसा हुआ नहीं है, उनको लगता है कि करेक्शन भी नहीं हुआ। देखिए, डेप्यूटी स्पीकर काफी सालों से अपॉइंट ही नहीं किया गया है क्योंकि वो ऑपोजिशन को मिलता है। अब क्योंकि विपक्ष एक बड़ी भूमिका में आ रही है, देश की जनता ने उनको बड़ी जिम्मेदारी दी है, तो मैं मानती हूं कि ये सरकार जो इतने अहंकार से चल रही थी, मेजॉरिटी के बल पर चल रही थी, अब मेजॉरिटी से भी दूर है, तो इनको संज्ञान लेते हुए जो संवैधानिक तौर तरीके हैं उसका पालन कर ही पार्लियामेंट चलेगा। उनकी मनमानी नहीं चलेगी कि जब मनाए डेप्यूटी स्पीकर नहीं करो, एलओपी नहीं करो, जो अपॉइंटमेंट्स करो उसमें ऑपोजिशन से पूछो नहीं, जो बिल्स पास हो उसमें एमपीज को सस्पेंड कर दो, ये सब मनमानी अब इनकी नहीं चलेगी और हम डेप्यूटी स्पीकर की पोजिशन के लिए हम ये लड़ाई लड़ेंगे। इट इज आई वुड से इट इज एन एजुकेशन इमरजेंसी इन दिस कंट्री। विद द रेट एट विच एग्जाम्स आर गेटिंग कैंसल्ड, द रेट एट विच द एजुकेशन मिनिस्टर रिफ्यूजेस टू होल्ड हिमसेल्फ अकाउंटेबल, वी आर सीइंग हाउ पेपर आफ्टर पेपर इज बींग पोस्पोन्ड और कैंसल्ड और यू नो एडवांस टू अनदर डेट। धर्मेंद्र प्रधान हैड रिफ्यूज फॉर एनी इन्वेस्टिगेशन विद रिगार्ड्स टू द नीट पेपर लीक। नाउ एज वी सी मोर इन्वेस्टिगेशन कमिंग आउट एंड इट बिकमिंग एन इंटर स्टेट रैकेट, येस्टरडे लेट लास्ट नाइट ही अनाउंस्ड दैट अ सीबीआई इंक्वायरी वुड बी हैंडलिंग दिस एंटायर पेपर लीक इशू। ही इज ऑल्सो गॉन ऑन टू से दैट नीट एग्जाम वॉज अ लोकलाइज इशू लिमिटेड टू बिहार, अगेन ही हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग। सो जस्ट गोज टू शो दिस एजुकेशन मिनिस्टर इज क्लूलेस, ही हैज इंस्टिल्ड अ सेंस ऑफ एजुकेशन इमरजेंसी इन द कंट्री, एंड हाउ अनफेयर इज इट that children who prepare for months on end and they see their paper getting cancelled at the last minute, it is a shame. And just the transfer of NTA chairman will not work, it is Dharmendra Pradhan who will have to resign for being an absolute failure as far as education ministry is concerned. Sharad Pawar says that earlier opposition used to get the deputy speaker post, but however from last 10 years in the BJP government we are not getting it. Just because of the majority that Bharatiya Janata Party enjoyed in the last two terms, they did away with a lot of constitutional norms. They did away with the position of having a deputy speaker at all. And we have seen this repeatedly, that BJP tries to undermine the constitution and parliamentary procedures. If they want a bill passed, they will suspend over 150 MPs. If there is any controversy, they will not hold themselves accountable. So this is not how it should be working. And what Sharad Pawar ji is saying is right. Now, people of India have given a responsibility to the opposition, they have given strength to the opposition to ensure that constitutional morality prevails, and we will work towards ensuring that constitutional morality will prevail and parliamentary procedures will not be bypassed by the sheer arrogance of the Bharatiya Janata Party and the sheer majority that they enjoyed, and it's far away from majority now. We won't allow them to run the parliament as per their whims and fancies.